हाथियों का कहर झेल रहे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा। आज मैं छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकासखंड बतौली अंतर्गत ग्राम पंचायत सल्याडी में हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पहाड़ी कोरवा हैं। आइए हम आज इनकी स्थिति दिखाते हैं। सर, तुम्हारे घर का कितना नुकसान करी, कितना तोड़ी? घर सब खत्म कर दी, धान खाई दी, धान खाई दी, वही 4 क्विंटल वही धान खाई से है। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं ये हाथियों का दहशत को अपने आप में दिखाता है। किस तरह से हाथियों ने कहर ढाया होगा इन मासूम इन गरीब लोगों के घरों पे, इस घर को देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार तरफ से कुछ मदद मिली? मदद तो ही दो दरोगा दरोगा उन्हें प्लास्टिक और 1,000 रुपया उन्हें दी ही प्लास्टिक तुम्हें छवा के को ना तहा फेन ओ पैसा दे राखी उन्हें प्लास्टिक ले लुक उन्हें छाए हन 1,000 मदद के सोकर बाद भी कोई मदद करी से और कुछ पैसा मिली उतना ले उतना ले ओ कहिस की ओकर ऊपर हमने फिर 10,000 कही तो उन्होंने 2,000 तो अपने ले ली। ग्राम पंचायत सल्याडी में जंगल के ऊपर इन बेसहारा परिवारों का भरा पूरा परिवार हुआ बसा करता था। वहां पर इनके लिए रहने को अच्छी मकान भी थी, लेकिन पिछले एक महीना पहले हाथियों का एक दल आकर के इनके घरों को तोड़ देता है, इनका आशियाना उजाड़ देता है। सरकार ने इनकी मदद करनी चाहिए, इनको 10,000 रुपए सबको आवंटित भी किया गया था, लेकिन इस परिवार का कहना है कि उस 10,000 में इन्हें 8,000 ही मिला और 2,000 रुपए जंगल के सिपाही और जंगल के दरोगा के द्वारा ले लिया गया। नुकसान करी धान नुकसान मात्र होकर 10,000 में 2,000 अपन ले ले। अपन ले। कौन दरोगा ले, सुकर नाम जानते? ओकर नाम वही तो पता नहीं है। तुमन अच्छा ही बताओ, तुमन कहा चाहता सरकार तुम्हारे किसे मदद करे? हमला कहा करना है, बस हमला मकान बनवाए दे। इस वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों से मेरी अपील है कि सरगुजा कलेक्टर रितु सेन को इस स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करें और इन पहाड़ी कोरवाओं के लिए इंदिरा आवास स्वीकृत कराने की मांग करें। मैं प्रकाश गुप्ता सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।